Hey there, this is CodeCat 15 और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज को कब और कैसे यूज करना है ये हम आज के सेशन में सीखेंगे, और उतना ही नहीं उन्हें यूज करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हम आज के सेशन में सीखेंगे। और इस वीडियो में जो भी कोड यूज हुआ है वो ऑलरेडी GitHub और Google Drive पे अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द कोड फॉर यू। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। कंप्यूटर प्रॉपर्टीज और दोस्त जिसको आप वैल्यू असाइन नहीं करते हो, आप उसे कोड असाइन करते हो। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अभी आपके सामने जो एग्जांपल है वहाँ पे एक लोन कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर है विच इज़ हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज, विच इज़ लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईयर। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, रादर देन डूइंग समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आपने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को एक वैल्यू असाइन कर दिया। तो हमें वैल्यू तो असाइन नहीं करनी है। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बाय डेफिनेशन व्हाट दे मीन इज कि आप वैल्यू असाइन नहीं करते, आप कोड असाइन करते हो। सो आई एम गोइंग टू डू, आई से गेट, और यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज लोन अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू ईयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 100। नाउ आई एम गोइंग टू डीबग प्रिंट, that is going to be interest amount is equals to loan calculator dot simple interest, and now when I run this you'll get the interest amount equals to whatever value that you have supplied over here. So based upon the value that input that you have supplied over here, आपका एक कोड है जो रन होता है जो कैलकुलेट करता है सिंपल इंटरेस्ट क्या है डायनेमिकली एंड द वैल्यू इज प्रिंटेड ओवर हियर। टू यूज़ कंप्यूटर प्रॉपर्टीज देर आर सर्टन रूल्स कि जैसे कि आप इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। द ओनली रीजन इज बिकॉज इसकी जो भी वैल्यू है वो रन टाइम पे कैलकुलेट होता है, एंड इफ यू डू समथिंग लाइक दिस स्विफ्ट इज गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दिस कि वेरिएबल विद गेटर सेटर कैन नॉट हैव एन इनिशियल वैल्यू। सो देर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज आई थिंक आप लेट कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। This is because let is a constant and over here computed properties are not constant, क्योंकि उनकी जो भी value है वो रन टाइम पे decide होती है कि उनको क्या value assign होने वाली है। और constant आप तभी use करते हो जब आपको पता होता है कि उसकी value change नहीं होने वाली है। So over here also Swift compiler is giving you warning saying that let declaration cannot be used with computed properties. So it's better that you keep it var. सो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल बाई यू नो लाइक सीइंग हाउ वी कैन यूज़ कंप्यूटर प्रॉपर्टीज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, वेरी सिंपल वेरी बेसिक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो ओवर हियर व्हाट आई हैव इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल, लेट मी कमेंट दिस कोड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, बाई यूजिंग कंप्यूटर प्रॉपर्टीज आई एम कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल। नाउ व्हेन आई रन दिस आप देख सकते हो द एरिया ऑफ सर्कल इज 78.53, एंड यू कैन सी द कोड, इट इज़ प्रिटी मच सिमिलर टू जो भी मैंने लोन कैलकुलेटर में किया था, जहाँ पे आपके पास एरिया है, एरिया इज अ कंप्यूटर प्रॉपर्टी एंड इट हैज़ अ गेट एंड इट इज़ रिटर्निंग रेडिया, यहाँ पे एरिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। बट चलो एक रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि जहाँ पे आपका मैनेजर ये बोलता है कि जैसे ही एरिया को कोई भी वैल्यू सेट होती है मुझे ऑन द स्पॉट रेडियस कैलकुलेट करना है। सो वट ही मीन्स बाय दैट इज, now let me copy this, I'll paste this, I'll say radius and then area. So अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे area को एक value set कर रहे हो, that is you're assigning a value to area. तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जैसे ही आप area को कोई भी value assign करते हो वैसे ही रेडियस का कैलकुलेशन होना चाहिए कि बेस्ड अपॉन द वैल्यू दैट इज असाइन टू एरिया माई रेडियस शुड बी कैलकुलेटेड। तो अभी तो आपने यहाँ पे सिर्फ गेट का यूज किया है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट व्हाट यू नीड टू यूज इज अ सेट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से जैसे ही इसे वैल्यू सेट होती है आई विल कैलकुलेट द रेडियस न्यू वैल्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी डबल डॉट पाई। सो यहाँ पे न्यू वैल्यू वेरिएबल कहाँ से आया है, नाउ इन स्विफ्ट इट इज़ अ फीचर कि जब भी आप गेट सेट यूज़ करते हो तो इनसाइड सेट यू हैव ए न्यू वैल्यू नाम का वेरिएबल होता है आपके पास, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है जो भी आप यहाँ पे असाइन करते हो, जैसे अभी आपने 25 असाइन किया है
तो न्यू वैल्यू के अंदर 25 इट विल बी अ प्लेस होल्डर फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट यू असाइन. सो अकॉर्डिंगली अगर आपको न्यू वैल्यू नाम पसंद नहीं है, सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन से दिस इज माई एरिया वैल्यू एंड यू कैन अकॉर्डिंगली यूज द सेम ओवर हियर. एंड नाउ व्हेन यू रन दिस, तो जैसे ही आपके एरिया को वैल्यू असाइन होती है वैसे ही आपका रेडियस कैलकुलेट होता है बिकॉज आपने एक सेटर यूज किया यहाँ पे एंड यू हैव अ कोड ओवर हियर. इफ यू चेंज द वैल्यू, लेट्स से इफ आई डू दिस एज 40, यू कैन सी दैट द रेडियस चेंजेस अकॉर्डिंगली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंप्यूटर प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू यूज देम. माई ओपिनियन ऑन दिस इज कि आपको कंप्यूटर प्रॉपर्टीज तभी यूज करना चाहिए जब आपके सामने ऐसे सारे सिनेरियोस हो. यू नो लाइक दिस सिनेरियो इज प्रिटी मच सिंपल और ज़्यादा कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है एंड देन यू आर रिटर्निंग समथिंग. सो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस रादर देन यूजिंग अ फंक्शन आप एक कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो. आपने देखा किस तरीके से सर्कल में हम लोगों ने एरिया और रेडियस कैलकुलेट किया. सो आई थिंक कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ आर बेटर सूटेड फॉर सच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स. नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन क्रिएट अ फंक्शन या फिर आप यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो, बट आई थिंक कंप्यूटर प्रॉपर्टीज सर्व देयर पर्पस मच बेटर इन सिनेरियोस लाइक दिस. So that being said, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको कंप्यूटर प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज मेंशन योर क्वेश्चन एज अ कमेंट या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो. माई ईमेल आईडी इज codecat15@gmail.com. So that being said, thank you so much for watching this video. Have a nice day and happy iCoding. Bye bye.